हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल लॉजिकल एडवाइस में। मैं हूँ सुमित और आज मैं आपको यहाँ पे एक ऑफर बताऊंगा, ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप यहाँ पे गूगल तेज के या गूगल पे के हम यहाँ पे अनलिमिटेड स्क्रैच कार्ड किस प्रकार यहाँ पे कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग जानते होंगे जैसे हमको एक वीक में यहाँ पे गूगल तेज से यहाँ पे 5 स्क्रैच कार्ड मिलते हैं, तो ये स्क्रैच कार्ड हमको यहाँ पे दूसरे तेज के बंदे को यहाँ पे पैसे भेजने के बाद ही हमको यहाँ पे स्क्रैच कार्ड मिलते हैं। तो दोस्तों, मैं अभी ऐसे आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिससे आप यहाँ पे खुद के बैंक अकाउंट में यहाँ पे आप पैसे ट्रांसफर करोगे और आपको यहाँ पे स्क्रैच कार्ड मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस ऑफर को, इस वीडियो को आप अंत तक देखो, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सभी स्टेप से यहाँ पे बताऊंगा किस प्रकार आप इस ऑफर को लूट सकते हो, किस प्रकार आप यहाँ पे तेज से अनलिमिटेड बार यहाँ पे हर हफ्ते यहाँ पे स्क्रैच कार्ड ले सकते हो, 5 स्क्रैच कार्ड, और उससे यहाँ पे अपना अपने बैंक अकाउंट में पैसे जमा करवा सकते हो। तो दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो दोस्तों, प्लीज इस वीडियो को, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो। तो चलो दोस्तों, अभी हम सबसे पहले आपको यहाँ पे पेटीएम में फोनपे के ऐप की जरूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे पेटीएम के एप्लीकेशन को यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे आप पेटीएम पे ऐसा रहता है दोस्तों। तो आपको सिंपली यहाँ पे पेटीएम के यहाँ पे यूपीआई में जाना है, यूपीआई सेक्शन में, और यहाँ पे आपको जाना है यहाँ पे रिक्वेस्ट मनी में। सो जैसे रिक्वेस्ट मनी में जाओगे तो आपको यहाँ पे दे देनी है अपनी जो तेज की यूपीआई आईडी, वो यहाँ पे दे देनी है। तो तेज की यूपीआई आईडी आप जैसे यहाँ पे दोगे, तो जैसे मैंने यहाँ पे तेज की यूपीआई आईडी दे दी तो यहाँ पे मेरे को आ जाएगा वेरीफाई का ऑप्शन। तो जैसे मैंने पे वेरीफाई कर लिया तो मुझे यहाँ पे अमाउंट दे देनी है कितनी मुझे यहाँ पे रिसीव करनी। तो मैं ऐसे सिंपली 250 रुपये दे देता हूँ। सो जैसे यहाँ पे 250 रुपये दे दूंगा तो ये पेटीएम पेमेंट बैंक में मेरे आ जाएंगे। सो दोस्तों, मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट मनी का ऑप्शन कर दिया। जैसे मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट कर दिया, देख सकते रिक्वेस्ट चली गई दोस्तों। सो सबसे पहले अभी मुझे जाना है यहाँ पे अपने तेज के एप्लीकेशन में। जैसे हम यहाँ पे तेज के एप्लीकेशन में जाते हैं तो आपको देख सकते हैं यहाँ पे आपको ये मिल जाएगी आपकी यूपीआई आईडी। तो यहाँ मुझे थोड़ी देर में एक नोटिफिकेशन आ जाएगा गूगल तेज की तरफ से। सो देख सकते हैं मुझे यहाँ पे रिक्वेस्ट आ गया है सुमित वाड़े ले, देख सकते हैं यहाँ पे जो वही थी पेटीएम की यूपीआई आईडी जिससे मुझे यहाँ पे रिक्वेस्ट आया है। तो दोस्तों, सिंपली मुझे यहाँ पे पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे मेरे बैंक अकाउंट लिख देना है, इधर कमेंट्स में कुछ भी डाल देना है। सो मैं डाल नहीं सकता क्योंकि मुझे रिक्वेस्ट की गई है। सो जैसे हम यहाँ पे प्रोसीड टू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मुझे सिंपली अपना यूपीआई का पिन दे देना है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैंने पेमेंट को प्रोसीड कर दिया है। सो देखते हैं यहाँ पे पेमेंट सक्सेस होता है या नहीं। सो यहाँ पे मुझे सक्सेस का यहाँ पे आ गया ऑप्शन। सो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे आ गया है यू अर्नेड स्क्रैच कार्ड। तो जैसे मैं यहाँ पे स्क्रैच कार्ड पे क्लिक करता हूँ, देख सकते हैं दोस्तों अभी मुझे यहाँ पे स्क्रैच कार्ड मिला है। देख सकते हैं आज यहाँ पे 12 जनवरी, और देख सकते हैं यहाँ पे मुझे अभी स्क्रैच कार्ड मिला है। मैं स्क्रैच कार्ड को ओपन करता हूँ, देख सकते हैं दोस्तों मुझे यहाँ पे 16 रुपये का कैशबैक यहाँ पे मिल गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार ये ऑफर है। तो एक और बार मैं यहाँ पे आपको इस ऑफर को लूट के बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमको वही जाना है अपने पेटीएम के एप्लीकेशन में। सो जैसे हम यहाँ पे पेटीएम के एप्लीकेशन में जाएंगे तो हमको यहाँ पे जाना है सिंपली इसमें, और यहाँ पे जाके हमको यहाँ पे अपनी जो ये जो हमारी आईडी है यूपीआई की, इसको सिंपली ऐसे डिलीट कर देना है। तो जैसे मैंने ऐसे अपनी यूपीआई आईडी को डिलीट कर दिया, ये आईडी ऐसे चली जाएगी दोस्तों, और हमको फिर से यहाँ पे अपना जो बैंक अकाउंट है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं अपने यहाँ पे बैंक अकाउंट में पैसे वापस ट्रांसफ़र कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास अभी 250 रुपये है। तो उसी से आपको मैं यहाँ पे देख के बता देता हूँ, करके दिखा देता हूँ। सो जैसे यहाँ पे मैं पेमेंट कर दूंगा, सो दोस्तों मैं आपको वापस यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। सो सबसे हमको यहाँ पे जाना है वापस यहाँ पे रिक्वेस्ट मनी में। सो जैसे हम यहाँ पे रिक्वेस्ट मनी करेंगे तो हमको यहाँ पे वही डाल देनी है यूपीआई आईडी, जो हमारी तेज की यूपीआई आईडी है। तो वापस हमको यहाँ पे 250 रुपये रख देने हैं। तो जैसे हम यहाँ पे 250 रुपये रख देते तो हमको यहाँ पे कुछ भी कमेंट्स में देना नहीं है। तो देख सकते हैं यहाँ पे मुझे यहाँ पे कमेंट करनी है, यहाँ पे पेमेंट के लिए रिक्वेस्ट कर देता हूँ दोस्तों वापस। सो दोस्तों, आपको यहाँ पे यूपीआई आईडी जो चेंज करते रहनी पड़ेगी। सो आपको अगर यूपीआई आईडी चेंज करनी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आने का, और यहाँ पे ये डीरजिस्टरी भी कर सकते हैं या फिर एड न्यू यू पी आई डी भी कर सकते हैं जिससे आपका यू पी आई डी चेंज हो जाएगा। सो हर बार रिक्वेस्ट करते वक्त आपको एक यहाँ पे अपने यू पी आई डी को एक बार चेंज करना होगा, तो ये आपको कैशबैक मिलेगा। तो सबसे पहले वापस मैंने डाल लिया 250 रुपीज़। सो मैंने वापस कर दी रिक्वेस्ट मनी फॉर रिक्वेस्ट कर दी दोस्तों। तो देख सकते हैं मेरी रिक्वेस्ट चली गई है। सो मैं वापस यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे अपने पेज को यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा। सो देख सकते हैं मुझे वापस यहाँ पे एक रिक्वेस्ट आ गई पेमेंट के लिए। देख सकते हैं यहाँ पे मुझे वापस एक रिक्वेस्ट आ गई है। मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूँगा, देख सकते हैं यहाँ पे यू हैव रिक्वेस्टेड। सो हमको वापस यहाँ पे पेमेंट करना होगा।
सो देख सकते हैं जैसे मैंने प्ले पे क्लिक किया यहाँ पे मुझे ऑप्शन आ गया। सो मैंने जैसे अपना पासवर्ड डाल दिया और यहाँ पे मेरा पेमेंट प्रोसेस्ड हो रहा है। सो देख सकते हैं यहाँ पे योर पेमेंट इज अंडर प्रोसेस का यहाँ पे आ गया ऑप्शन। देख सकते हैं यहाँ पे मेरा हो गया ऊपर मेरे को सक्सेस का ऑप्शन आ गया है। सो देख सकते हैं मुझे वापस यहाँ पे एक स्क्रैच कार्ड मिल गया है। देख सकते हैं मुझे तीसरा स्क्रैच कार्ड अभी मिला है दोस्तों। सो वापस मैं इसको स्क्रैच करूंगा तो मुझे यहाँ पे आ गया बेटर लक नेक्स्ट टाइम। सो वापस मैं यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे वापस मैं जाऊंगा दोस्तों। इस ऑफर को यहाँ पे आप 5 बार लूट सकते हो। तो वापस हमको जाना है अपने पेटीएम के एप्लीकेशन में। सो जैसे हम जाएंगे पेटीएम के एप्लीकेशन में हमको जाना है भीम यूपीआई पे। ये जो यूपीआई आईडी इसको यहाँ पे ऐड न्यू कर लेंगे। ऐड न्यू यूपीआई आईडी कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अपना कुछ भी यहाँ पे एक यूपीआई डाल देना और यहाँ पे कर देना। सो यहाँ पे कुछ नया हमको देना पड़ेगा। सो देख सकते हैं मेरा यहाँ पे यूपीआई आईडी हो गया है। तो इसको मैं सिंपली ऐसे डिलीट कर दूंगा और मेरा जो न्यू यूपीआई आईडी उससे मैं अभी पेमेंट करूंगा। देख सकते हैं SU1235। सो दोस्तों सबसे पहले हमको जाना है रिक्वेस्ट मनी में। फिर से हमको जाना है यहाँ पे और यहाँ पे मुझे कर देने 250 रुपये की रिक्वेस्ट। वही प्रोसेस है दोस्तों। हम वापस एक बार ट्राई करके देखते हैं हमको इस बार कैश मिलता है या नहीं। सो देख सकते हैं दोस्तों हमने वापस यहाँ पे एक रिक्वेस्ट कर दिए। तो हम वापस जाएंगे हमारे गूगल पे के एप्लीकेशन में। यहाँ पे हमको आ गई है वापस एक नोटिफिकेशन जिससे हमको यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। देख सकते हैं यहाँ पे मुझे वापस एक नई नोटिफिकेशन आ जाए जिसमें मुझे 250 रुपये का पेमेंट करना है। सो वापस मैं यहाँ पे प्ले पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैं डाल दूंगा, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ दोस्तों। तो देख सकते हैं यहाँ पे मुझे एक वापस पेमेंट की आ गई है। तो जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ तो मुझे यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा। तो जैसे मैं यहाँ पे पेमेंट की प्रोसीड टू पे पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे मेरा पेमेंट यहाँ पे प्रोसीड हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे पेमेंट प्रोसेसिंग। सो शायद ये हो गया है दोस्तों, ऊपर मेरे को आ गया है। देख सकते हैं सक्सेस का यहाँ पे आ गया है। तो मुझे वापस यहाँ पे एक स्क्रैच कार्ड मिल गया है दोस्तों। सो देख सकते हैं यहाँ पे एक स्क्रैच कार्ड मुझे वापस मिल गया है। तो मैं इसको भी ओपन कर लेता हूँ, इसमें मुझे बेटर लक नेक्स्ट टाइम निकला है दोस्तों। तो यहाँ पे आजकल गूगल के सभी यहाँ पे ज़्यादातर यहाँ पे बेटर लक नेक्स्ट टाइम ही निकल रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे डिफरेंट टाइम पे यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अभी अगर आपने कर लिया तो थोड़ी देर बाद यहाँ पे करना, आपको यहाँ पे 5 स्क्रैच कार्ड यहाँ पे गूगल से मिलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि मैं ऐसे नए नए वीडियो लाते देते रहता हूँ दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।